हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के लिए लोगों स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काशी नगरी, पूरा सज चुका है देव दिवाली मनाने के लिए। वो चीज़ आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वहाँ पे होगी आरती। आरती के बाद यहाँ पे लगभग बनारस लेट काम नहीं ये जला जाएंगे और लेजर शो, ड्रोन शो और एक से एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा घाट यहाँ पे सज चुका है। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहें और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब। स्टार्ट होने का टाइम 7 बजे है। अभी से आप देख सकते हैं कितना भीड़ उमड़ा हुआ है क्योंकि आज देव दिवाली है। देव दिवाली की वजह से चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगा और जितने बोटे हैं वो बोटे पूरा सज चुकी हैं। साल भर एक बार सिर्फ आप लोगों को बोट सजा हुआ देखने को मिलेगा जो देव दिवाली के दिन आज के दिन बनारस में काशी नगरी में माना जाता है कि सभी देवी देवता उतरते हैं और लेजर शो, ड्रोन शो सब कुछ यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहे देख सकते हैं, दूर दूर नज़र आप लोग ले जाएंगे, हर जगह आपको भीड़ भीड़ देखने को। अभी 4 बज रहा है, शाम का 4 बज रहा है और 8 बजते यहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी कि मैं जो सामने देख रहे हैं यहीं पर आरती होगा और देखिए उस साइड भी पूरा इतना भीड़ उमड़ा हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ यार, पूरा गजब एक से एक दृश्य आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। गाइस देख सकते हैं अभी से इतना भीड़ उमड़ा हुआ है। आरती होगा लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में और इतना भीड़ यहाँ पे उमड़ा हुआ है, मैं कहीं मतलब जहाँ आपका नज़र जाएगा वहाँ पर आपको भीड़ भीड़ ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ जो साल भर में एक बार सजता है बोट देख सकते हैं आप लोग को, कोई भी बोट के तरफ नज़र जाएगा तो वो सारा बोट सजा हुआ देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में काशी नगरी के जैसा देव दिवाली कहीं नहीं मनाया जाता है। यही एक सिटी है जहाँ पे देव दिवाली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लगभग 5 लाख+ दिए जलाए जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को पूरा यहाँ का देव दिवाली में लेजर शो और यहाँ का जो नाइट का खूबसूरती है घाटों का वो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बनारस कैसे तैयार हो चुका है देव दिवाली मनाने के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहे, अगर चैनल पर नहीं होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मिलेगा। कहीं भी आप नज़र लेके जाएंगे तो भीड़ भीड़ देखने को मिलेगा गाइस। शाम को लगभग 6 बजे से ये 6 बजे से पहले इतना कुछ तैयारी हो रहा है गाइस, देख रहे हैं फूल से पूरा सजाया जा रहा है, दिए लगाए जा रहे हैं। जिस इंसान के अंदर जो भावनाएं हैं, जो भगवान को अपने अंदर स्मृत कर ले वो चीज़ यहाँ पे सब लोग अपना अपना अलग अलग दिए जला रहे हैं। कोई ओम नमः शिवाय लिख रहा है तो कोई शिव जी का प्रतिमा बना रहा है, कोई रतन टाटा जी का इमेज बना रहा है, ओ नमो शिवाय का पूरा दिया से लेप कर दिया है, ओम लिख जाए। गाइस जिस इंसान के अंदर जो भावनाएं हैं वो यहाँ पे सारे प्रकट कर, धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है गाइस। लगभग 8 बजे तक इतनी भीड़ होगी कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देव दिवाली सिर्फ इंडिया के बनारस सिटी में ही धूमधाम से मनाई जाती है और कहीं आप लोग को देव दिवाली इतने अच्छे से देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग है हमारे भगवान शिव जी के समर्पित वो बनारस काशी गोदवलिया चौराहा से 1.5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है। इसलिए बनारस एक ऐसी नगरी है कि सारे इंसान को खींच लाती है। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। देख सकते हैं गाइस यहाँ सारे बोट पूरा सज चुकी है। ऐसा कभी नहीं आता है कि बोट सजती है, बट साल में एक दिन आता है कि पूरा बोट सज चुके थे। अभी हम लोग हैं हरिश्चंद्र घाट जहाँ पर चिताई की लाशें हमेशा जलती रहती हैं। कुछ देर में हम लोग आगे पहुँचे, देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर दिए में तेल डालने का काम चल रहा है और कुछ देर में पूरा दिए जला दिए जाएंगे और पूरा घाट जगमगा जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस, बहुत ही खूबसूरत गाइस। जहाँ आरती होता है क्या बहुत तरीके से सजा हुआ था यार, मैं तो इसे पहले कभी नहीं देखा था गाइस। कुछ ही देर में अब आरती होगा, आरती से पहले दिए सारे जला दिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्या ही बताऊँ। देख सकते हैं कितना भीड़ उमड़ी है और ये गंगा ब्रिज के में नाव चलती हुई सुंदर दृश्य लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, अगर चैनल पे नहीं होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ठीक है।